दोस्तों, दमदार बैटरी के साथ एक नया 5G स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ मात्र 11,500 रुपए के अंदर आने वाले इन्फिनिक्स और सैमसंग गैलेक्सी के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिनमें आपको मिलेगी 6000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों, पहला स्मार्टफोन हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट सीरीज का Hot 30 5G और दूसरा हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। तो इन दोनों स्मार्टफोन की करेंगे अनबॉक्सिंग और कंपेरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले बॉक्स देखिए, इन्फिनिक्स का काफी मोटा और भारी बॉक्स आता है दोस्तों, वहीं पर काफी स्लिम बॉक्स है सैमसंग गैलेक्सी F14 का, क्योंकि इसके साथ तो चार्जर अडैप्टर आपको नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 30 5G से। इसके बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करोगे, सबसे ऊपर तो स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है। इसे निकाल के हम फिलहाल रखते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एक व्हाइट कलर का चार्जर अडैप्टर, जिसमें आपको 18 वॉट की मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग मिलती है। एक टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है, साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर आपको इसके साथ मिल जाता है। काफी सॉफ्ट है ये कवर, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये काफी जल्दी येलो भी हो जाते हैं। सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल बाकी बॉक्स में आपको दिखेंगे। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और अब आते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 पर। तो यहाँ पर ये बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है, जहां एक छोटा सा बॉक्स आपको और नजर आएगा जिस पर लगी है सिम इजेक्टर पिन, इसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। थोड़ा भारी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर यूएसबी केबल को दिया गया है और इसमें आपको टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है। लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया है, लेकिन अगर चार्जर देते तो वो भी बढ़िया रहता। यहाँ पर 1200 रुपए का आएगा इसका फास्ट चार्जर, 25 वॉट तक का चार्जर सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। चलिए, इसके बाद रखा हुआ स्मार्टफोन इसे निकाल के साइड रख के सीधा बॉक्स सिंपटी हो जाता है। और ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक देखिए दोस्तों। साइज में थोड़ा सा छोटा है सैमसंग का फोन, लेकिन इनहैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन बहुत भारी और मोटे फील होते हैं दोस्तों। दोनों ही स्मार्टफोन 200 ग्राम से ऊपर के हैं दोस्तों। 215 ग्राम का है इन्फिनिक्स और सैमसंग है 205 ग्राम का। 9.4 mm की थिकनेस आपको सैमसंग में मिलती है और इन्फिनिक्स में मिलती है आपको 9.1 mm की थिकनेस। दोनों की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था, यहाँ पर विनर है हॉट 30 दोस्तों, काफी फास्ट ऑन हो गया। और इसमें आपको मिलती है पंच होल डिस्प्ले, जबकि ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ सैमसंग आता है, और सैमसंग कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी नहीं दे रहा है, जबकि इन्फिनिक्स में आपको मिल जाता है। बैक पैनल देखिए दोनों स्मार्टफोन के, काफी यूनिक सा बैक पैनल आपको मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 30 5G का। जहां आप करीब से देखें तो यहां पर आपको लेदर फिनिशिंग दी गई है, जो काफी कमाल की लग रही है। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल भी काफी यूनिक सा बनाया गया है। दो बड़े बड़े साइज के बराबर लेंस आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, जिसमें मेन कैमरा है 50 MP का, दूसरा उसका सपोर्टर AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको पंच होल के अंदर 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में बैक पैनल नॉर्मल सा दिखता है दोस्तों, यहां पर ग्लोसी फिनिशिंग है, इस पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, काफी ज्यादा गंदा हो जाता है दोस्तों। विदाउट कवर आप यूज करोगे तो स्क्रैचेस भी उतनी जल्दी आएंगे और फिंगरप्रिंट तो आ ही रहे हैं दोस्तों। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल भी नॉर्मल सा है, ज्यादा कोई खास नहीं लगा, बस दो बराबर साइज के गोले यहां पर नजर आ रहे हैं छोटे, जिनमें आपको मेन कैमरा तो 50 MP का मिलता है और 2 MP का माइक्रो सेंसर कैमरा दिया गया है, जबकि सैमसंग जाना जाता था अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए, उसे डालना तो यहां पर भूल गया है। LED फ्लैश लाइट आपको मिल जाती है, फ्रंट में 13 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर आपको राउंडेड मिलते हैं और यहां से भी आपको सैमसंग में राउंडेड ही मिलता है, जबकि फ्लैट कॉर्नर के साथ आता है इन्फिनिक्स हॉट 30 5G। और इसके कॉर्नर आईफोन की फीलिंग दिला रहे हैं, राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट फॉर वॉल्यूम रॉकर्स, और दोनों स्मार्टफोन के पावर ऑन की पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर अटैच मिलता है। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए सैमसंग दे रहा है, जो कि आपको इन्फिनिक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इन्फिनिक्स आपको डुअल स्पीकर देता है। स्पीकर पोर्ट आपको ऊपर भी नीचे भी दिया गया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में दोनों स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल। दोनों स्मार्टफोन की पावर तो ऑलरेडी ऑन हो रखी है, इनकी ब्राइटनेस को भी 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में कलर्स और ब्राइटनेस काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आइकन आपको नजर आ रहे होंगे, स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन भी नजर आएंगे। कॉर्नर देखिए दोनों स्मार्टफोन की, एज और बेजल्स ज्यादा पतले आपको मिलेंगे इन्फिनिक्स में दोस्तों। यहाँ सैमसंग में तो ऊपर की साइड भी मोटे मोटे और नीचे की साइड और भी मोटे, कॉर्नर में थोड़े पतले पतले दिए गए हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो मौजूद मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स तो काफी सारे ब्लूटूथ
नोटिफिकेशन भी यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों इनको तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए, नहीं तो इनको ऑलरेडी सारी परमिशन मिली रहती है, बैकग्राउंड में खुद रन करती है, आपको बार बार नोटिफिकेशन भेज के परेशान भी कर देंगी। टच काफी स्मूथ है दोनों स्मार्टफोन का। 90 Hz का रिफ्रेश रेट सैमसंग F14 में आपको मिलता है, जबकि 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको इन्फिनिक्स हॉट 30 में दिया गया है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है आपको इन्फिनिक्स हॉट 35G में, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2460 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 396 PPI की इसमें आपको मिलती है। वही सैमसंग गैलेक्सी F14 आपको दे रहा है 6.6 इंच की फुल HD प्लस PLS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2408 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 400 PPI की दी गई है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आपको इसमें मिल जाता है। और आप सेटिंग पे नजर डालते हैं, इन्फिनिक्स से शुरुआत करते हैं। इन्फिनिक्स की सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां ऊपर की साइड आपको माई फोन का ऑप्शन मिलता है, XOS दिया गया है इसमें आपको, जिसका वर्जन है 13.1.0, डिवाइस नेम मॉडल नेम मेंशन है, एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, जिसमें आपको 2.2 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का आपको चिपसेट मिलता है, जो बेस्ड है 7nm के फैब्रिकेशन पर, माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं, 4GB रैम प्लस 4GB वर्चुअल रैम, 128GB का स्टोरेज, रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको इसमें मिल जाता है। और आप सैमसंग की सेटिंग को ओपन करते हैं, यहाँ सैमसंग की सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां आपको नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, और इस अबाउट फोन सेक्शन के अंदर ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, तो वन UI कोर वर्जन 5.1 एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, इसमें भी आपको मिलती है 4GB रैम, 128GB का स्टोरेज, 2.4 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और चिपसेट आपको इसमें ना ही क्वालकॉम ना ही स्नैपड्रैगन, इसमें सैमसंग खुद का चिपसेट दे रहा है, सैमसंग एक्सिनोस 1330 का, जो बेस्ड है 5nm के फैब्रिकेशन पर, माली G68 के ग्राफिक आपको इसमें मिल जाते हैं, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप इस फोन में बढ़ा सकते हैं। अब एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें, तो कलर का अंतर आप यहां पर देख सकते हैं। मुझे यहां पर पर्सनली सैमसंग के कैमरे में कलर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, जो नेचुरल वाली फीलिंग होती है, जबकि इन्फिनिक्स का कैमरा थोड़ा सा एडिटेड टाइप का लग रहा है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको कलरफुल इमेजेस पसंद आती हैं, तो इन्फिनिक्स का कैमरा आपको ज्यादा बेटर लगेगा। और ये है दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरा भी मुझे ज्यादा बढ़िया इन्फिनिक्स का लग रहा है, अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, सैमसंग में आपको जूम सपोर्ट तो नहीं मिलता, ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं, और यहां पर इन्फिनिक्स आपको 2x तक का जूम सपोर्ट भी दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे 11,500 रुपए के अंदर आने वाले इन्फिनिक्स और सैमसंग की ओर से दो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन। लेकिन बात आती है, हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों मानते हैं कि सैमसंग बहुत ही बड़ा ब्रांड है, लेकिन दोस्तों इसके जो 20,000 रुपए से नीचे की रेंज के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, उनमें सैमसंग कभी ध्यान नहीं देता दोस्तों, और काफी ज्यादा लैग करते हैं, काफी ज्यादा हैंग इशू, काफी सारे प्रॉब्लम यहां पर कस्टमर फेस करते हैं, जबकि इन्फिनिक्स अभी बढ़ता हुआ ब्रांड है दोस्तों, जो कि अभी सारी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। काफी प्रीमियम डिजाइन लुक देखिए दोस्तों, क्या कमाल की फिनिशिंग आपको इसमें मिल जाती है। बस थोड़ा सा प्राइस कम कर दे, अगर आपको ये स्मार्टफोन 10,500 रुपए में मिल जाता है, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया डील है आपके लिए। हो सकता है दिवाली सेल में इसका प्राइस ड्रॉप हो जाए, कार्ड ऑफर यूज करके आपको और भी सस्ता मिल जाए।